हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों अभी अभी एक न्यूज आई है जहां पर पता लगा है कि ईडी ने यहां पर जो हमारे वजीर एक्स है, जो इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वहां पर 64.67 करोड़ की जो एसेट है उसको यहां पर फ्रीज कर दिया है। अब यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो ईडी है उनको पता चला है कि वजीर एक्स कोई तरह का स्कैम कर रहा था। तो क्या है वो न्यूज और किसको लेकर यहां पर जो इतनी बड़ी संपत्ति है उसको यहां पर फ्रीज किया गया है, असल में यहां पर न्यूज क्या है और वजीर एक्स में अपना जो पैसा है वो हम लोग का रखा हुआ है, क्या वजीर एक्स हमारे लिए सेफ है या फिर हम लोग अपना जो मनी है वो शिफ्ट कर लें किसी दूसरे एक्सचेंज में, वो चीज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और न्यूज के बारे में भी कवर करेंगे कि आखिर ये जो मुद्दा निकाला गया है वो क्या है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी अभी कुछ आधा घंटा पहले यहाँ पर ये एक ट्वीट डाला है ईडी ने। तो देखिए यहाँ पर जो ये मुद्दा है यहाँ पर इसको निकल के आया है वो लोन ऐप। देखिए बहुत सारे स्कैम होते हैं, आज से मतलब एक दो साल पहले भी देखें तो बहुत तरह तरह के स्कैम निकल के आए हैं। तो जो भी हैकर होते हैं, जो भी स्कैमर्स होते हैं, वो यहाँ पर नया नया चीज को फॉलो करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ताकि वो अच्छे से स्कैम कर पाए। एक स्कैमर के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक नया फंडा लेके आया है जो स्कैमर है, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ऐप लेके आए हैं जो कि लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बैंक में आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर केवाईसी वगैरह लिया जाता है, फोटो वगैरह लिया जाता है और भी काफी सारे चीज होते हैं जो कि वहां से वो लिए जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो स्कैमर है उन्होंने यहाँ पर कई सारे लोन ऐप को यहाँ पर रेडी किया है, तो उन्हीं ऐप के थ्रू इन्होंने यहाँ पर जो स्कैम है वो किया है। देखिए क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन ऐप के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, तो क्या होता है उनको लोन मिल तो जाता है लेकिन लोन के बदले वो लोग काफी सारे डेटा जो है वो यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि केवाईसी करवाते हैं, फोटोस वगैरह लेते हैं। तो लोन देने के बाद वहां पर जो स्कैमर्स है वो यहाँ पर ब्लैकमेल करते हैं लोगों को कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे, मतलब जितना लोन देते हैं उससे दुगना वसूलते हैं, जैसे कि उन्होंने 10 लाख दिया तो उनसे वो वसूलेंगे 20 लाख, ऐसे करके वो उनका ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपकी जो न्यूड फोटोस है वो यहाँ पर वायरल कर देंगे, क्योंकि उनके पास सारा डेटा आ जाता है उसके वजह से, जिसके वजह से यहाँ पर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करने के वजह से उनको यहाँ पर जो पैसा है वो देना पड़ जाता है लोगों को। तो जिसकी वजह से यहाँ पर 10 लाख देते हैं लोन और 20-22 लाख ये लोग लोन के बदले उठाते हैं, तो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को जिसके थ्रू यहाँ पर ये स्कैम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं, बाकी आप लोग भी बच के रहिएगा अगर कहीं भी लोन वगैरह लेते हैं कोई ऐप के थ्रू, तो यहाँ पर आप थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी हाँ यहाँ पर बात करें वजीर एक्स की, तो यहाँ पर ये जो न्यूज है ये वजीर एक्स पे क्यों आई है, क्योंकि लोन ऐप अलग है और स्कैम अलग है, तो वजीर एक्स कहाँ से आ गया। देखिए भाई साहब यहाँ पर ये जो स्कैमर है वो क्या करते हैं कि लोन का जो पैसा है वो देते हैं और जो फिर आदमी से लेते हैं ना वो पैसा यहाँ से शिफ्ट कर रहे थे वो चाइना, और किसके थ्रू शिफ्ट करेंगे वो लोग ट्राई करता था ब्लॉकचेन, और हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो है वजीर एक्स। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो पैसे हैं वो वजीर एक्स में लाते थे और वजीर एक्स के थ्रू वो जो पैसे है वो क्रिप्टो करेंसी में चेंज करके उसको वो चाइना भेज रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यहाँ पर ये जो स्कैम है वो यहाँ पर लगाया गया है वजीर एक्स के ऊपर में, जहां पर ईडी ने यहाँ पर 64.67 करोड़ के जो एसेट है वो यहाँ पर फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि अभी यहाँ पर फ्रीज किया है, कुछ तरीके का यहाँ पर बंद वगैरह का न्यूज नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ पर घबराइएगा मत। और जैसे कि आप लोग जानते हैं वजीर एक्स और बाइनेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ब्लॉकचेन में जो डेटा है वो यहाँ पर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेस भी नहीं किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर वजीर एक्स ने अभी कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ यहाँ पर ईडी की तरफ से ये न्यूज आई है, तो आप लोग भी बच के रहिएगा कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो। और हाँ वजीर एक्स की बात करें तो देखिये वजीर एक्स में मैंने आपको पहले ही कहा है कि कहीं भी एक जगह आप पैसा मत रखिए, क्योंकि वजीर एक्स की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है और ज्यादातर बैड आ रही है, और सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा इंडिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, तो काफी जिम्मेदारी यहाँ पर वजीर एक्स पे बनी हुई है, क्योंकि कुछ भी फ्रॉड होता है अपने इंडिया में क्रिप्टो को लेकर तो वजीर एक्स को पकड़ा जाता है। तो कहीं भी एक जगह आप अपना जो पैसा है उसको मत रखिए, हर अलग अलग जगह पे अपना पैसा रखिए, कहीं बाइनेंस में, कहीं आप ट्रस्ट वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखिए, हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, तो इस तरीके से आप अपने क्रिप्टो करेंसी को रखिएगा तो काफी ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज का अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, एक तो बियर मार्केट ऊपर से स्कैमर, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में, बाय बाय।